एवरीवन, वेलकम टू आवर किचन। और मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बिल्कुल नई और डिफरेंट रेसिपी, चटपटे मूंग स्प्राउट्स। इसमें मैं दूंगी अपना एक मैजिकल ट्विस्ट। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज नीचे बने सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैं गैस पर एक पैन रख लेती हूँ। मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच तेल। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल गरम हो चुका है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड्स, ये करीब 1 टीस्पून है। साथ में ही मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी चने की दाल। यहाँ मैंने 2 टीस्पून चने की दाल डाली है। मस्टर्ड सीड्स चटकने लगे हैं तो यहाँ मैं ऐड करूंगी कुछ कड़ी पत्ते, मेरे पास है थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से भून लेंगे। हमें प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा भूनना है। यहाँ मैं ऐड करूंगी गाजर। यहाँ थोड़ी सी गाजर ली है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, करीब ये 2 बड़े चम्मच गाजर है। अब मैं ऐड करूंगी मूंग स्प्राउट्स। ये कम से कम 1/2 कप मूंग स्प्राउट्स हैं। हमें बहुत देर तक नहीं भूनना है इसको, सिर्फ हल्का सा सॉटे करना है। तो मैं मसाले मिला देती हूँ। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी से बहुत सुंदर कलर आएगा। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी लाल मिर्च, हमें इसको एकदम चटपटा बनाना है। थोड़ा धनिया पाउडर। यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग। हींग से इसमें बहुत बढ़िया एक फ्लेवर आएगा। बिल्कुल थोड़ा सा नमक। इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। यहाँ मेरे पास है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। जैसा कि मैंने बात की थी मैजिक ट्विस्ट की, तो अब हम इसमें अपना डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट। यहाँ मेरे पास है मूंगफली, जिसको हमने भूनकर हल्का दरदरा कूट लिया है। टॉपिंग में बहुत ही बढ़िया एक क्रंची फ्लेवर आ जाएगा। हमारी रेडी है, हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। सो रेडी है चटपटे मूंग स्प्राउट्स। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस कीप वाचिंग माय चैनल। बाय।